like, yeah. Touch my she felt my gas, she took my heart and made it black. I won't break my fucking pack, even who told me that I might. Taste my blood, I will see white. Focus on the fucking fight, bitch so cold, I said goodnight. I'm fucking in a suit, eyes wide, stare at you. No, my clip reloaded, tell my girl the mood is terrible. Fit that shit up in my way, fuck bitch, end up in my head. You won't ever see my pants, so put my big body back. Fuck a face, fuck a verse, got a taxi, got a hearse. I can't repent what I did, but I thank God I got a curse. Running away, she say that she gay, and she wanna get it. Call my babe, tell her that we safe, everybody take it. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। नहीं मतलब तुम लोगों को मूवमेंट बढ़ाना ही क्यों है? कोई खास वजह या फिर गजब आदमी है यार। भाई क्यों कर रहा है इनवाइट जब तुझे पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ? अरे गलती से हो गया था। कौन तू या इनवाइट? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। थोड़े सब बातें गाइस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मूवमेंट के दीवानों तुम सभी को पता है मूवमेंट स्पीड में भी ना पागलपन होना चाहिए। अच्छा? लाइक पागलपन तो हर एक चीज को लेकर होना चाहिए, अपने स्टडी को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, परंतु गाइस मूवमेंट स्पीड में भी ना पागलपन होना चाहिए। अरे भाई सीरियसली यार ये इतना साधारण नहीं होता, हर एक बंदे के पास गाइस ये पावर देखने को नहीं मिलेगा। फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत ही कम प्राणी है जिसके पास पागलपन जैसा मूवमेंट है। सही बात। लाइक एक तो भाई नाम से ही पता चलता है पागलपन मूवमेंट मतलब पागल एम्प्टन हमारे, दूसरा राइस्टर हो गया, और तीसरा भाई मैं, हाँ खुद मैं। और ये बात गाइस मुझे नहीं पता था, सब्सक्राइबर लोग आकर बोलते हैं ना मेरे को कि मैं एडिटिंग में अपना गेम प्ले स्पीड ही बढ़ा देता हूँ। चीटिंग करता है तू। खुशी मिलती है यार ऐसे कमेंट पढ़कर। सीरियसली मेरे नॉर्मल मूवमेंट को सब्सक्राइबर बोलते हैं, अपने स्पीड बढ़ाकर डाल दिया अपलोड करते हैं वीडियो। सो यस गाइस आज की संपूर्ण वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर मैं या फिर पागल भाई हमारे या फिर मीना सर्वर के कुछ प्लेयर्स एक्सप्लोर वाइड है वो लोग इतना डेंजरस मूवमेंट कैसे कर लेते हैं। ठीक है मोबाइल फोन में मतलब गाइस मूवमेंट में एक पागलपन होता है, बट ये कुछ प्लेयर पागलपन के सारे हद पार कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इसी चीज को गाइस आज हम लोग रिपीट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करो गाइस उससे पहले तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जो तुम्हारे डेली जीवन काल के गेम प्ले को सरल बनाता है, तुम्हारे गेम प्ले को सही राह दिखाता है। ठीक है मतलब ठीक ठाक है, वेरी गुड। अब तुम सभी को पता है मेरा मूवमेंट ना बड़ा ही अजीब लगता है देखने में, और कुछ आउट ऑफ इंडियन सर्वर प्लेयर्स है उनका भी मूवमेंट बड़ा ही अजीब लगता है। मतलब मूवमेंट जो है वो पूरा अबनॉर्मल लगता है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। इसके पीछे का मेन कारण क्या है? इसके पीछे का गाइस मेन कारण है रिफ्लेक्सेस। मतलब मैं अपने कैरेक्टर को ना बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस देता हूँ, रिफ्लेक्सेस अर्थात साधारण भाषा में बोलूँ तो ऐसा मूवमेंट करता हूँ जिसका ना सिर होता है ना पैर। मतलब जिधर घूमना नहीं होता भाई हम लोग उधर भी घूम जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ ऐसे नहीं समझ पाओ। लाइक देखो गाइस यहाँ पर एक साधारण एग्जाम्पल देता हूँ, रिलोड करना है मुझे। ठीक है रिलोड हर एक प्लेयर करता है, तुम लोग भी करते हो, मुझे भी करना है भाई। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो ग्लू वॉल लगाने के बाद मेरा एमो यहाँ पर खत्म हो जाता है, मतलब अब मुझे रिलोड करना है। तो यहाँ पर गाइस जो साधारण प्राणी होता है वो क्या करता है, पहले तो रुकता है फिर रिलोड कर लेता है खड़े खड़े। ठीक है ये होता है साधारण प्राणी। इससे थोड़ा अपग्रेडेड प्राणी आता है जो सिंपल सा रन करते करते रिलोड कर लेता है। ठीक है बट जो हम लोगों के कैटेगरी में आता है, हम जैसे प्राणियों के कैटेगरी में आता है वो क्या करता है पता है? देखो यहाँ पर हाँ बस यही चीज मैं तुम लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं रिलोड भी कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी साधारण रिलोड नहीं है। यहाँ पर रिलोड करते करते देखो मैंने कितना बार अपने कैरेक्टर को जिग जैक मूव दे दिया। इसी जगह पर, इसी छोटे से जगह पर देखो मैंने कितना बार जिग जैक मूव किया, और इससे क्या हुआ गाइस मेरे मूवमेंट स्पीड को एक अलग ही रूप मिल गया। लाइक कह सकते हैं हम लोग पागलपन वाला मूवमेंट मिल गया हम लोगों को। सो गाइस ये चीज देखने में बड़ा ही सिंपल लगता है, बड़ा ही छोटा सा चीज लगता है, बट इन्हीं सब चीजों से गाइस तुम्हारा मूवमेंट एक यूनिक मूवमेंट बनता है। मतलब गेम प्ले देखने में पागलपन जैसा लगता है बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से। अभी आगे और चीज कवर करता हूँ। नेक्स्ट चीज है गाइस जिगजैग। जिगजैग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारे गेम प्ले को पागलपन का रूप देने में। हाँ बिल्कुल यहाँ पर गाइस तुम लोग मेरा गेम प्ले देख ही सकते हो मैं कितना ज्यादा हिलाता हूँ कैरेक्टर को एक्चुअली। मतलब कितना ज्यादा देखो एक बार लेफ्ट राइट, मतलब कितना ज्यादा जिग जैग वाला मूवमेंट दे रहा हूँ, और इससे गाइस कहीं ना कहीं मेरा गेम प्ले देखने में बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा है। मतलब गाइस नॉर्मल मूवमेंट को पागलपन वाले मूवमेंट में बदलने के लिए जिग जैग ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो गाइस काफी बंदों को कंफ्यूजन होगा कि जिग जैग मूवमेंट करे तो करे कब। सो जिग जैग मूवमेंट तुम लोग कर सकते हो ग्लू बॉल लगाने के बाद, मतलब जैसे ही ग्लू बॉल लगाते हो उस टाइम पे तुम लोग जिग जैग का मूवमेंट दे सकते हो। फिर गाइस फायर करने के बाद, मतलब जैसे तुम लोग फायर करते हो वन टैप लगे या ना लगे, ठीक है उस टाइम पे तुम लोग जिग जैग का मूवमेंट दे सकते हो। इससे कहीं ना कहीं तुम्हारा मूवमेंट बहुत ओपी लगता है। सो ऐसे कुछ कंडीशन में तुम लोग जिग जैग का मूवमेंट दे सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट चीज है गाइस विचित्र ग्लू बॉल।
हाँ विचित्र ग्लूबॉल। देखो गाइस मोस्ट ऑफ द प्राणी साधारण ग्लूबॉल लगाते हैं, बट हम लोग ग्लूबॉल ना विचित्र प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर गाइस तुम लोग मेरा ग्लूबॉल देख ही सकते हो, बहुत ही विचित्र लुक दे रहा है मेरा ग्लूबॉल। और यस गाइस ग्लूबॉल टाइप भी तुम्हारे मूवमेंट को एक यूनिक लुक देता है। सो ग्लूबॉल में गाइस सबसे पहला टिप्स है, तुम लोगों को जितना हो सके उतना फास्ट ग्लूबॉल लगाना है। मतलब स्लो ग्लूबॉल तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बहुत ही फास्ट ग्लूबॉल लगाना है। और अगर फास्ट ग्लूबॉल नहीं लगाना आता है तो मेरा चैनल देख सकते हो, मैंने ट्यूटोरियल डाल रखा है। सो गाइस सबसे पहला चीज तो है तुम लोगों को फास्टली ग्लूबॉल लगाना है, ठीक है। परंतु रुको, ग्लूबॉल लग जाना ही मेन चीज नहीं है। यहाँ पर फास्ट ग्लूबॉल तो तुम लोगों ने लगा लिया, बट अगर तुम लोग अपने मूवमेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो तुम लोगों को उतना जल्दी ग्लूबॉल से बाहर भी निकलना है। मतलब यहाँ पर गाइस तुम लोग ग्लूबॉल स्पीड के साथ साथ मेरा रशिंग स्पीड भी देख ही सकते हो, कैसे मैं फास्टली ग्लूबॉल लगाता हूँ, इंस्टेंटली मैं निकल जाता हूँ ग्लूबॉल से नेक्स्ट टाइम फायर करने के लिए। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मुझे एनिमी स्पॉट होता है फिर मैं फायर करता हूँ, फिर ग्लूबॉल लगाता हूँ और फिर तुरंत निकल जाता हूँ। और इससे मेरा गेम प्ले देखने में अनदर लेवल लगता है, ठीक है। मतलब काफी यूनिक लगता है देखने में। नेक्स्ट है गाइस वन टैप स्टाइल। जी बिल्कुल गाइस, तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में वन टैप खेलना है, ठीक है। लाइक गाइस तुम लोग स्काई शॉट वन टैप खेल सकते हो, जैसे यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो मैं किसी भी एनिमी को नॉक करता हूँ, उसके बाद जो लुक आता है पूरा स्काई वाला लुक आता है। तो कुछ क्लिप में यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैं स्काई लुक वन टैप खेला हूँ, फिर कुछ क्लिप में गाइस मैं स्विच वन टैप खेलता हूँ, ठीक है। मतलब मूवमेंट के साथ स्विच वन टैप, और देखो इससे भी मूवमेंट देखने में काफी तगड़ा लगता है। मतलब गाइस ये छोटा छोटा चीज है ग्लूबॉल वन टैप, इन्हीं सब चीजों के कॉम्बिनेशन से तगड़ा मूवमेंट बनता है। सो यस तुम लोग नॉर्मल वन टैप मत खेलना, जॉयस्टिक के साथ तो कभी मत खेलना वन टैप, ठीक है। जैसे कुछ डिफरेंट वन टैप स्टाइल ट्राई कर सकते हो, लाइक स्काई लुक वन टैप, फिर क्राउच वन टैप, फिर स्विच करके भी वन टैप मार सकते हो। ऐसे कुछ वन टैप स्टाइल भी तुम्हारे मूवमेंट को अलग ही लुक देता है। अब गाइस ये तो हो गया गेम की बात, मतलब हम लोग गेम में किस प्रकार से विचित्र प्रकार का मूवमेंट दे सकते हैं। अब गाइस कुछ गेम से बाहर की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके यूज से तुम लोग अपना मूवमेंट अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज आता है गाइस फिंगर स्लिप्स। फिंगर स्लिप्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मूवमेंट स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट गाइस पाउडर। अगर तुम लोग फिंगर स्लिप्स यूज नहीं करते हो, आदत नहीं है, तो तुम लोग पाउडर यूज करके जरूर खेलना। फिर गाइस गेम प्ले का पोजीशन भी अच्छा होना चाहिए, लाइक तुम लोगों को लेट कर नहीं खेलना है, ठीक है। ऐसे बेड पर लेट कर नहीं खेलना है गेम, ऑलवेज तुम लोगों को बैठ कर खेलना है या फिर अपना बेस्ट पोजीशन में खेलना है गेम, जिससे गाइस तुम्हारा कैरेक्टर अटकेगा नहीं और गेम प्ले सही जाएगा, मूवमेंट भी सही जाएगा। नेक्स्ट गाइस कुछ गेम की सेटिंग की बात कर लेते हैं। तुम लोगों को हमेशा 100 सेंसी में खेलना है। फिर गाइस तुम लोगों का एचयूडी बहुत तगड़ा होना चाहिए। एचयूडी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, तो वेट करो उसके लिए। और अगर तुम लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट गाइस ड्रेस कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल, तुम्हारे मूवमेंट में ड्रेस कॉम्बिनेशन का रोल होता है। सो तुम लोग हमेशा पतला से पतला ड्रेस पहनना या फिर तुमको जो अच्छा लगता है वही पहनना। इससे क्या होता है, तुम्हारा माइंडसेट सही बना रहता है और तुम लोग मूवमेंट भी बहुत अच्छा कर पाते हो। सो इसको अवॉइड बिल्कुल मत करना, ऐसा बल्कि सा और भारी सा ड्रेस कभी मत पहनना। सो हे गाइस, ऐसा करता हूँ तुम सभी को समझ में आ गया है कि कैसे तुम लोग अपना मूवमेंट स्पीड नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा सकते हो। सो अगर गाइस वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।